देखो हम लोग बात करते हैं पावर ऑफ लेंस, लास्ट टॉपिक है, इट इज रूल्ड बाय पी। पावर ऑफ लेंस का मतलब यह होता है कि हमारे पास दो तरीके के लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉन्केव लेंस। इनका मतलब ये होता है कि कितना डाइवर्ज कर रहे हैं या कन्वर्ज कर रहे हैं हमारे लाइट रे को। खास करके क्या होता है कि हमारे आंखों में डिफेक्ट्स आ जाती है, कभी हमें दूर की चीज़ें अच्छे से नहीं दिखती है तो कभी हमें पास की चीज़ें अच्छे से नहीं दिखती है। उसके लिए हम लोग स्पेक्ट्स लगाते हैं और इन स्पेक्ट्स में क्या होता है कॉन्केव, ये है कॉन्केव लेंस, ठीक है, और एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स लेंस कब क्यों यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ हम बात करेंगे। एक्चुअल में क्या होता है कि कॉन्केव लेंस जब हमें दूर की चीज़ों को अच्छे से क्लियरली देखना पड़ता है तो हम लोग कॉन्केव लेंस की यूज़ करते हैं, और अगर हमें पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती है तो हम उसके लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। क्या होता है सारी बातें बेसिकली अगर बात करो तो ये क्या बोलता है कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ किसकी हम लोग बात कर रहे हैं अभी सारी चीज़ें, तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस की अगर मैंने बात करी तो चाहे पावर बराबर 1/f। अब बोलते हैं यहाँ पे इन मीटर में आंसर होगा और 100/f इन सेंटीमीटर में आंसर होगा। ये कैसे आता है हमें क्या होता है हमें कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा, ठीक है, क्यों पॉजिटिव होता है क्यों नेगेटिव होता है क्या सारी चीज़ें, एक बेसिक कॉन्सेप्ट सब आपके क्लियर हो जाएगी। तो मैंने कहा यहाँ पर कि मेरे पास दो तरीके के लेंस है, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है और एक होता है तुम्हारा कॉन्केव। तो कॉन्वेक्स लेंस को बोलते हैं यहाँ पर इसके पास, इस लेंस के पास क्या होता है कन्वर्जिंग पावर रहता है। लाइट रे को क्या कर लेगा वो कंजर्व कर लेगा, मतलब कन्वर्ज लाइट रे, ये कन्वर्ज कर लेगा, ठीक है, कन्वर्ज कर लेगा। अभी हम लोग दिखाते हैं कन्वर्ज कैसे करेगा। यहाँ देखना, एक चीज समझना, समझने की कोशिश करना, ये ऑप्टिकल सेंटर है, इधर कहीं फोकस होगा, लाइट रे कुछ ऐसी गई तो इसने क्या करा ऐसा कंजर्व करा, जबकि जाना था इसको किधर, ऐसे जाना था डेल्टा। लेकिन अगर मैं ऊपर से लेकर गया तो यहाँ से क्या इतना कन्वर्ज करा, क्या ये बना अपना डेल्टा वन, इसको बना डेल्टा टू। इस केस में अगर देखोगे ना तो डेल्टा वन ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा टू, मतलब इस वाले ने क्या करा, इस वाले लाइट रे ज्यादा कंजर्व हुई क्या, समझ में आ रहा है। अच्छा अब हम लोग इसी तरीके से बात कर लेंगे कॉनकेव लेंस की बात कर लेंगे। तो कॉनकेव लेंस क्या कहता है कि इसके पास कैसी पावर होती है, डाइवर्ज करने की पावर होती है, डाइवर्जिंग पावर। अब डाइवर्जिंग पावर इसका मतलब क्या करेंगे, ये डाइवर्ज करेंगे लाइट रे को, डाइवर्ज करेंगे कैसे, यहां देख लो, यहाँ पे आप बात कर रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर, ये लाइट रे सी गई, ये इधर डाइवर्ज कर दिया, लाइट रे सी गई, ये इधर डाइवर्ज कर दिया, यहाँ पे ये डाइवर्ज हो रहे हैं। यार सर इसका क्या मतलब है कन्वर्जिंग पावर डाइवर्जिंग पावर, तो लेंस के पास ऐसी प्रॉपर्टी रहती है। एक्चुअल में ये डिफेक्ट्स आ जाते हैं आंखों में जो आप पढ़ोगे ह्यूमन आई में, एक होता है मायोपिया और एक होता है आपका हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया में एक्चुअल में क्या होता है कि पास की चीजें क्लियरली दिखाई देती है लेकिन दूर की चीजें दिखाई नहीं देती है। इसके पीछे रीजन होता है, वो रीजन ये होता है कि इसका, अच्छा एक पहले बात आओ, एक नियर पॉइंट होता है, नियर पॉइंट बोलते हैं जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होता है फोकल लेंथ, मतलब कम से कम डिस्टेंस अगर हम देखें तो 25 सेंटीमीटर। और इसका जो फार पॉइंट होता है वो फार पॉइंट आपका इन्फिनिटी पी होगा, तो लीस्ट डिस्टेंस, नियर पॉइंट और फार पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है अगर जैसे कि मुझे लगा है क्या कॉनकेव लेंस लगा है, मुझे दूर की चीज़ अच्छे से नहीं दिखाई देती, क्यों, क्योंकि हमारे जो आई बॉल की साइज है, जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस ही है यहाँ पे अपने आई बॉल में, वो जो है ना इलांगेट हो गया। अब इलांगेट हो गया है तो क्या होता है, लाइट रे जल्दी कंजर्व नहीं होता है, या तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आई बॉल की साइज इलांगेट हो जाती है तो फोकल लेंथ और लेंस जो रेटिना है इसके बीच का डिस्टेंस थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है, इमेज पहली बन जाती है। वहाँ पे सारी बात आप करोगे जब ह्यूमन आई पढ़ोगे, लेकिन हमें जो काम करना है वो हम करते हैं, पावर निकालना। मैंने बोला कि ये कॉनकेव लेंस है, ये कॉनकेव लेंस यहाँ पे आपका फोकस है, मैंने क्या करा एक पैरल लाइट रे यहाँ पे एक मीटर में ऐसा कुछ रख दिया, जब पैरल लाइट रे ले गया तो ऑब्वियसली ये कंजर्व करेगा, लेकिन जाना था इसको सीधे, इसलिए क्या बोला डेल्टा, यही तो है डेल्टा, यही तो है पावर ऑफ कंजर्वेशन कंजर्व। मैंने बोला ये अगर एक सेंटीमीटर तो ये भी वन सेंटीमीटर, ये अगर डेल्टा है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका डेल्टा, एंगल है ये कुछ नहीं है, बस इस ट्राइंगल का नाम दे दिया मैंने ओ और ये क्या हो गया एफ। देखो ध्यान से, इन ट्राइंगल ओ ए एफ की अगर मैंने बात करा तो यहाँ पे लगा दिया मैंने टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, इसका मतलब ओ ए अपॉन में ओ एफ आया। देखो ओ ए बराबर ये वन है तो ये भी वन ही हो गया क्या मेरा, तो ये टेन
डेल्टा इज इक्वल टू वन अपॉन में एफ, और ये काहे में आएगा, ये मीटर में आएगा क्या, ये जो है आपका टेन डेल्टा, इस टेन डेल्टा को बोलते हैं हम लोग पावर ऑफ लेंस, किसने कितना कंजर्व करा। तो पावर का फॉर्मूला आ गया क्या, वन अपॉन एफ इन मीटर, ठीक है, एफ इन मीटर, और सेंटीमीटर की बात करेंगे तो हंड्रेड बाई एफ, ये काहे में होंगे, ये सेंटीमीटर की बात करते हैं। अच्छा सवाल ये आता है कि कॉनकेव लें, अरे चलो पहले लेते कॉन्वेक्स लें, इसकी एसआई यूनिट क्या कह लेते हैं, एसआई यूनिट जो होता है इसका होता है डायोप्टर, डायोप्टर इसको अपन डी से बोलते हैं। तो डी कभी होता है पॉजिटिव तो कभी होता है नेगेटिव, इसका क्या लेना देना है, तो सुनो मेरी बात, अगर आप कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हो तो इसका पावर जो होता है पॉजिटिव, इसका मतलब डी जो होगा आपका पॉजिटिव डी। बोले ऐसा क्यों, क्योंकि सुनो हम लोग क्या करते हैं, लेंस के ऊपर ये स्पेक्स लगाते हैं, तो यहाँ पर देखना पड़ता है कि कौन सा लेंस है और उसकी फोकल लेंथ क्या होती है। तो आपको मालूम है कॉनकेव लेंस के फोकस का इधर रहता है और इधर कहीं पॉजिटिव होता है क्या, ठीक है, बिकॉज फोकल लेंथ जो रहेगा इसका, इसका जो फोकस रहेगा वो फोकस क्या होता है पॉजिटिव होता है, या फोकल लेंथ क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका पावर पॉजिटिव आता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस में क्या होता है कि डायोप्टर जो होता है पावर जो होता है नेगेटिव में दिखा, नेगेटिव दिखेगा, मतलब डी नेगेटिव होगा, क्यों, बिकॉज इसका जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है आपका नेगेटिव। आपको मालूम होगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का कुछ ऐसा ही रहता है, ठीक है। अच्छा एक सवाल कर लेता हूँ छोटा सा, कि पावर ऑफ लेंस मेरा इतना है तो उसका फोकल लेंथ कितना होगा। मैंने बोला पहली बात तो एक क्वेश्चन जरा से ले लो, पी बराबर मेरे पास प्लस 4.0 डी है, तो एफ बराबर कितना हो, क्वेश्चन ही समझ लो, कोई लेंस है जिसका पी बराबर, पहली बात तो अगर डी आपका पॉजिटिव आया है तो लेंस कौन सा होगा आपका, कन्वर्जिंग लेंस, अरे कॉन्वेक्स लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस अगर, चलो पी बराबर अपन वन अपन एफ इन मीटर की हम बात करिए, एफ इन मीटर ले लेते हैं, तो पी बराबर क्या देखा रहेगा, प्लस फोर वन अपन एफ, नहीं मालूम तो एफ इज इक्वल टू वन अपन फोर जो 0.25, एफ इज इक्वल टू प्लस में 0.25, ये किस में आया, मीटर में, मतलब सेंटीमीटर में बात करूँगा तो 25 सेंटीमीटर, ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्निक विजन है। अच्छा अगर एक क्वेश्चन कुछ ऐसा आ गया मेरे पास, ये क्वेश्चन अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया, मैंने बोला कि पावर बराबर मैंने ऐसा पूछा, डी बराबर माइनस में 0.75 या पावर बराबर जो भी हो, ये पी बराबर क्या है मेरे, माइनस में 0.75 डायोप्टर है, माइनस है, माइनस समझ में ये आता है कि कौन सा लेंस होगा मेरे पास, कॉनकेव लेंस होगा जिसका काम है डाइवर्जिंग लेंस। तो देखो पी बराबर वन अपॉन एफ होता है क्या, फोकल लेंथ में निकालने की कोशिश करता हूँ, तो एफ इज इक्वल टू वन अपॉन पी, तो वन अपॉन 0.75, जीरो हटा इधर, मीटर में बात चल रही है यहाँ पे, क्या है मीटर में बात चल रही है, तो एफ इज इक्वल टू क्या आया, ये तुम्हारा कितना आया 75, ये होगा 4, ये होगा 3, 25 से डिवाइड कर दिया तो 4/3, इसका मतलब 1.3 ले लिया मैंने, 1.33 ले लिया, ये आपका आया मीटर में, लेकिन एफ बराबर अगर बात करूँगा तो 13.3 सेंटीमीटर कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो गया आपका फोकल लेंथ किसका, इस कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस का। इस तरीके से आप सारे सवाल कर सकते हो।